वेलकम बैक टू NIL। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम हिंदी में तो बहुत कॉमन यूज करते हैं बट इंग्लिश में हमें पता नहीं होता क्या कहना है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस है सोच समझ कर फैसला लेना। अब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप ऑन इट। एक फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन लेने जा रहे हो, आपके मम्मी पापा यही कहेंगे आपको सोच समझ कर फैसला लेना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप ऑन इट। द सेकेंड सेंटेंसेस, ये फल सड़े हुए हैं। जब भी कोई चीज़ सड़ जाती है तो हम उसे बोलते हैं रॉटन। फॉर एग्जाम्पल, दीज फ्रूट्स आर रॉटन। नेक्स्ट वन इज, जब हम घर आते हैं बहुत थके आ रहे हैं तब हम क्या बोलते हैं, बहुत भूख लगी है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फैमिश्ड। यूजली हम यूज़ करते हैं आई एम हंग्री, बट वी कैन से आई एम फैमिश्ड। वेल द नेक्स्ट वन इज, एक बात को पकड़ कर बैठना। कई लोग होते हैं जिनको लड़ाई में बात हो जाती है और वो एक बात के पीछे बढ़ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू गेट स्टक ऑन वन थिंग। द नेक्स्ट वन इज, तो मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते। कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हम सामने वाले को ये बोलते हैं यार तुम मेरे को समझो, तुम मेरी मजबूरी समझो, तो जब वो नहीं समझते तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय कंपल्शन। तो मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय कंपल्शन। द नेक्स्ट वन इज, तुम बहुत चलाक हो। यूजुअली हम अपने फ्रेंड्स में यूज़ करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा चलाक हो, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर, बट इसका एक एडवांस्ड वर्जन है यू आर एक्सट्रीमली कनिंग। द नेक्स्ट वन इज, मुझे शक भरी नज़रों से मत देखो। फॉर एग्जाम्पल, आप घर लेट आए और आपके मम्मी पापा आपको ऐसे घूर के देख रहे हैं, शक भरी नज़रों से देख रहे हैं, तो हम यूजुअली बोलते हैं मुझे शक भरी नज़रों से मत देखो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट लुक एट मी सस्पिशियसली। वेल द नेक्स्ट वन इज, तुम्हें समझाना ही बेकार है। एक बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम समझाते रहते हैं उन्हें समझ में नहीं आती है, उस केस में हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हें समझाना ही बेकार है, एंड इन इंग्लिश वी से इट्स यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट वन इज, कोई गलती जब हमारे से अनजाने में हो जाती है, जब हमें पता नहीं होता कि हमसे ये चीज़ हो रही है अनजाने में, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन एडवर्टेंटली। सो जब भी आपसे कोई गलती अनजाने में हो जाए यू विल से इट इज़ डन इन एडवर्टेंटली। द नेक्स्ट वन इज, जब हम किसी को ऐसे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड मूड में पड़ा होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, अपना मूड ठीक करो। या किसी आप पार्टी में जा रहे हो तो आपके घर में मम्मी पापा से कोई छोटी मोटी बात हुई होती है तो यूजुअली कहते हैं अपना मूड ठीक करो। सो इन इंग्लिश वी विल से चीयर योर सेल्फ अप। वेल द नेक्स्ट वन इज फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर। यूजुअली लड़कियों को बहुत बोला जाता है उनके बहुत नखरे हैं। अब नखरों को इंग्लिश में बोलते हैं टैंट्रम्स। सो बहुत नखरे हैं यू विल से शी हैज सो मेनी टैंट्रम्स। द नेक्स्ट वन इज कपड़े तय लगाना। कपड़े तय लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैक द क्लोथ्स। तो अगर आपको कोई बोल आपको किसी को बोलना है कि आप प्लीज़ इसे कपड़े तय लगा दीजिए तो आप बोलेंगे वुड यू प्लीज़ स्टैक द क्लोथ्स। द नेक्स्ट वन इज मैं संकट में हूँ या मैं भारी संकट में हूँ। जब भी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बड़ी तो इंग्लिश में उसे कहते हैं आई एम इन डीप वाटर। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लर्न दीज सेंटेंसेज एंड यू विल यूज दीज सेंटेंसेज इन योर डे टू डे लाइफ। स्टे ट्यून्ड।